दोस्तों, लक्ष्मीकांत बेर्डे बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने फिल्मों में कॉमेडी का एक अलग लेवल सेट किया था। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत सलमान खान की लगभग हर एक फिल्म की बैकबोन हुआ करते थे। भले ही बेर्डे साइड रोल में रहते हो, लेकिन फिल्म में उनकी भूमिका दमदार होती थी। सलमान की कई फिल्मों में उन्होंने नौकर का किरदार निभाया था, लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से वे नौकर नहीं हीरो बन गए। कभी कभी तो उनकी एक्टिंग हीरो पर भी भारी पड़ जाती थी। वैसे दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को अपनी एक्टिंग से हंसाने वाले एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे का आखिरी दौर किन कठिनाइयों से गुजरा? नहीं ना, कोई बात नहीं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके बुढ़ापे के हालात से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे का जन्म 26 अक्टूबर सन 1954 को रत्नागिरी मुंबई में हुआ था। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई मराठी साथिया संघ प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गए। इससे जुड़ने के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। कुछ समय तक बेर्डे ने साइड रोल किए, फिर उन्हें एक मराठी फिल्म में काम मिला। बेर्डे अपनी कॉमेडी से बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ देते थे। उनकी पहली मराठी फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। देखते ही देखते बेर्डे मराठी सिनेमा के कॉमेडी किंग बन गए। बेर्डे ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी शोज में भी काम किया। बेर्डे ने जहां हाथ आजमाया, वहां उन्हें सफलता मिली। मराठी फिल्म के स्टार बेर्डे ने जब हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया, तो वो वहां भी छा गए। मराठी और हिंदी करियर मिलाकर बेर्डे ने 200 से ज्यादा फिल्में की। बेर्डे ने 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था। हिंदी सिनेमा में बेर्डे की 100 डेज, हम आपके हैं कौन, अनाड़ी और सैनिक बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो बेर्डे ने साल 1985 में रूही बेर्डे से शादी की थी। रूही ने भी फिल्म हम आपके हैं कौन में काम किया था। कुछ समय बाद बिना डिवोर्स लिए दोनों अलग हो गए। इसके बाद बेर्डे एक्ट्रेस प्रिया अरुण को डेट करने लगे और साथ में रहने लगे। दोनों ने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया। साथ में रहते हुए दोनों के दो बच्चे तेजस्विनी और अभिनय भी हुए। दोस्तों, अगर बात करें इनके आखिरी दौर के बारे में, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे काफी लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। इसकी वजह से वे अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब वो इस गंभीर बीमारी को झेल नहीं पाए और साल 2004 में गुर्दे की गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को महज 50 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बेर्डे ने अपना प्रोडक्शन हाउस अभिनय आर्ट्स चलाया। इसका नाम उन्होंने अपने बेटे अभिनय बेर्डे के नाम पर रखा था। बेर्डे एक कुशल वेंट्रीलोक्विस्ट और गिटार वादक थे और जब तक वो जिए, तब तक वो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे। भले ही अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आप अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।